नहीं, मैं सच कह रही हूँ। जब पापा ऑस्ट्रेलिया में है तो मेरा यहाँ रहने का क्या मतलब है? और वैसे भी मैं यहाँ किसके लिए रुकूं? काश यही सच होता गुंजन। सच बोलो, क्या यहाँ रुकने की तुम्हारे पास कोई वजह नहीं? मौसी जी, आप ही कहती है ना कि आगे बढ़ना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। हाँ, सच कह रही हो तो, पर हमें यह भी डर है बेटा कि आगे बढ़ने के नाम में कहीं तुम रुक ना जाओ। इस गम के नीचे दबकर कहीं तुम आगे ही ना बढ़ पाओ। मौसी जी, मैं आपकी बात का मतलब समझी नहीं। हमें तुम्हारे और मयंक के बारे में अचानक पता चला तो हम दंग रह गए थे। उस वक्त हमें ऐसा लगा कि ये प्यार नहीं है, इस उम्र में होने वाला एक आकर्षण है और कुछ नहीं। इसीलिए तुम्हारी भलाई के बारे में सोचते हुए हमने तुम्हें और मयंक को कहा कि तुम लोग आगे बढ़ जाओ। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। अगर तुम खुशी खुशी जाती ना तो हम तुम्हें रोकते नहीं, लेकिन ऐसे मायूस होकर हम तुम्हें कैसे जाने थे? प्लीज डोंट स्टॉप मी मौसी जी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से लोग आपको कुछ कहे। नहीं गुंजन, तुम्हारी खुशियों से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है बेटा। और फिर हमें स्नेहा का वादा भी पूरा करना है। तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी भलाई, ये सब हमारे लिए मायने रखती है। दुनिया क्या सोचती है, क्या करती है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसलिए बेटा, हमने आज तुम्हें जाने दिया ना तो हम तुम्हारे साथ, स्नेहा के साथ, सबके साथ बेईमानी कर बैठेंगे। प्लीज बेटा, अपनी मौसी के खातिर रुक जा। यही रह जाओ। शैल जी, आप यहाँ अचानक? सब ठीक तो है ना? कुछ खास बात? हाँ, हम आपसे फिर से वही गुजारिश करना चाहते हैं। क्या? गुंजन को यही रहने दीजिए। एक कप नहीं, दो कप। दो कप? दो कप किस लिए दीदी? वो एक कप हमारे लिए और एक कप गुंजन के लिए। संगीता चाची वाली स्पेशल चाय फॉर गुंजन। गुंजन, तुम? गुंजन दीदी। दुलू, हे भगवान, ये वापस आ गई। गुंजन, मौसा जी कहाँ है? पापा? पापा चले गए। मतलब तुम अब हमारे साथ रहोगी? हाँ, सच? ऐसा बाप तो जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ। लेने तो आया था अपनी बच्ची को, लेकिन यही छोड़ के चला गया। धन्य है। गुंजन दीदी, मतलब आप ये गिफ्ट वापस तो नहीं ले लोगे ना? नहीं बुद्धू, वो गिफ्ट तुम्हारे लिए और तुम्हारा ही रहेगा। खुश? सुनो, क्या म्यूजिक डाला तुमने? दीदी, ये अचानक मन कैसे बदल गया? हमारा मतलब है, जाते जाते गुंजन वापस कैसे आ गई? हमने ये सोचकर इसे रोक लिया कि अगर ये चली जाती तो इसका एक साल बर्बाद हो जाता ना। हाँ। और सच पूछो तो इसका मन बिल्कुल नहीं था यहाँ से जाने का।
नहीं था मन। तो फिर ये सब जाने की तैयारियां क्यों की? स्टेशन भागना तो क्या हुआ, अच्छी बात हुई ना। हमने जैसे तैसे आकाशी के सामने बात रख दी और वो मान गए। हाँ लेकिन कभी ना कभी तो ये यहाँ से जाएगी ना। सीमा संगीता, आज दोपहर के खाने की तैयारी हुई कि नहीं? जी हाँ, वही कर रहे थे तभी आप आ गए। तो चलो करते हैं तैयारी। हमें बहुत बुरा लग रहा है जी, आपसे पूछे बिना हम गुंजन। वो बात नहीं है सर, भला गुंजन के यहाँ वापस लौटने से हमें क्या तकलीफ हो सकती है? हम तो बस आकाश जी के लिए सोच रहे थे। उनका कितना मन था कि वो गुंजन को अपने साथ ऑस्ट्रेलिया लेकर जाए, लेकिन फिर अचानक वो गुंजन को यहां रहने के लिए मान कैसे गए? खैर गुंजन वापस आ गई, ये बहुत अच्छा हुआ। शैल उसकी चहल पहल के बिना यह घर एकदम सूना हो गया था। तुम ठीक कहती थी शैल, गुंजन अब हम सब लोगों की आदत बन गई। ऐसे ही एक दिन हमारी रचना भी चली जाएगी। हम दोनों को अकेला छोड़कर सोच के भी डर लगता है शैल। बेटियां होती ही ऐसी हैं, जब तक मायके में रहती हैं अपने घर की रौनक बन के रहती हैं, और विदाई हुई नहीं कि किसी और के घर की अपने ससुराल की रौनक और शोभा बन जाती है। माँ का आंगन सूना कर जाती। और फिर देखिए ना जी, आकाश जी विदेश में जाकर अपने काम में कितने व्यस्त हो जाते, तो गुंजन का वो ख्याल रख पाते भी या नहीं पता नहीं। और फिर नया देश, नया कॉलेज, पढ़ाई, ये सब कुछ वो लड़की अकेले कैसे कर पाती? उसके माँ के जाने का घाव अभी अभी तो भरा है। नहीं नहीं शैल, तुमने बिल्कुल सही किया है, और शायद आकाश जी भी गुंजन को इसीलिए यहाँ रखने के लिए तैयार हो गए। जी तुमने उसे रोक कर बिल्कुल सही किया है शायद। तो आ गई मेरे दिल की मलिका। क्यों छोड़ के गई थी मुझे? मलिका हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। वेरी फनी, आज के बाद ऐसा किया ना फिर देखना। यू नो व्हाट गुंजन, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम वापस जरूर आओगे, और देखा वही हुआ, मेरा प्यार तुम्हें वापस खींच लाया। नहीं मयंक, तुम्हारा प्यार मुझे वापस नहीं खींच लाया है, बल्कि मौसी जी का मुझ पर भरोसा और हमारे प्यार पर विश्वास मुझे वापस लाया है। मयंक क्या ताई जी? हाँ मौसी जी, उन्होंने ही मुझे मनाया, समझा बुझाकर घर वापस लाए। मयंक वो हमें एक मौका दे रही है, इसीलिए इस बार तुम्हें अपने प्यार के लिए बोलना है, सबके सामने आना है। मयंक ये आखिरी मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। आई नो कुंजन, ताई जी हमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा पूरा साथ दे रहे हैं, वो भी हमारी खुशी के लिए। She is so nice ना कुंजन, वरना इस घर में तो किसी से बात करना भी बेकार है। वो शायद इसलिए कि तुमने ही कभी किसी को समझाने की हिम्मत नहीं की। मैं समझाऊंगा कुंजन, घर पे सबको हमारे बारे में मैं बताऊंगा। And I promise कि इस बार तुम्हें और ताई जी को दोनों को किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। I promise। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।